जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास नाइन्थ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 2.2 तक कर चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 2.3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पेन कॉपी के साथ बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो लिख लो प्रश्नावली नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर हम बेटा पहला करने जा रहे हैं, ठीक है? देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। आ जाओ, कह रहा है बेटा कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देना है। बेटा किससे देना भाग, इसमें कई पार्ट हैं, ठीक है? पहला दिया x प्लस 1, ये दिया है x प्लस 1। दूसरा दिया है बाबू x माइनस 1 बटे 2, ठीक है? तीसरा दिया है बेटा x, तीसरा दिया किससे, x से। और चौथा दिया है बाबू, चौथा दिया x प्लस पाई, x प्लस पाई। और पांचवा दिया है बेटा 5 प्लस 2x से। इससे क्या करना बाबू, इन सब से इसमें भाग देना, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आया होगा और भाग देना आप लोगों को आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भाग आप लोग दे लोगे। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे हम देखते हैं बेटा। तो क्या करेंगे हम, पहला दिया है x प्लस 1 से, तो क्या करेंगे बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हम भाग देंगे बेटा किससे, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से भाग देंगे बाबू, तो देखना क्या होगा, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो कितना x में कितने का गुणा करें तो x क्यूब हो जाए, बस यही देखना, पहले वाला इसका देखना, इसका देखना, ठीक है? तो हम x में अगर x स्क्वायर का गुणा कर दें बेटा तो x क्यूब हो जाएगा, तो x स्क्वायर बार लेके जाएंगे तो x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब। यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा? x स्क्वायर का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, घटाएंगे बेटा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यह प्लस है या माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तीन में से एक जाएगा। देखो यहाँ माइनस है, तीन में से एक जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है? अब बाबू यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 बार तो जाएगा जाएगा। यहाँ पे x है बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितनी बार जाएगा, 2x बार जाएगा, ठीक है? तो 2x का गुणा 2x में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस बेटा, 2x का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, घटा दो माइनस और माइनस, इससे बेटा क्या कैंसिल, तीन में से दो जाएगा, बचेगा x प्लस 1, ठीक है बाबू? अब क्या पूछा है, चलो शेषफल पूछा है ना बेटा, अब कितनी बार जाएगा, x प्लस 1 है बेटा तो प्लस 1 बार जाएगा, तो कितना होगा x प्लस 1, घटाएंगे माइनस तो बेटा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल पूछा है, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है? ये समझ में आप लोगों को आया होगा, ए बाबू पहला था, ठीक है? पहले का पहला। इसी प्रकार दूसरा करोगे बेटा, दूसरा कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देंगे बेटा किससे, x माइनस 1 बटे 2 से देना पड़ेगा भाग, किससे देंगे बेटा, x माइनस 1 बटे 2 से। तो देखना यहां पे x है बेटा, यहां पे x क्यूब है, तो कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, ठीक है? x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे x क्यूब, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस, x स्क्वायर का 1 बटे 2 में करेंगे बेटा तो माइनस 1 बटे 2 x स्क्वायर हो जाएगा, घटा दो ये माइनस, यह बेटा माइनस है तो प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से जब 1 बटे 2 x स्क्वायर क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे, 3x स्क्वायर में से नहीं जोड़ेंगे, दोनों प्लस है बेटा, कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 7 बटे 2 x स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा बेटा, 7 बटे 2 x स्क्वायर प्लस बेटा कितना है, 3x प्लस 1 है, ठीक है? अब आ जाओ बेटा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके पहले बेटा प्लस 7 बटे 2 है, तो प्लस 7 बटे 2 x बार लेके जाओ, तो इसका गुणा इसमें करोगे बेटा हो जाएगा 7 बटे 2 x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करोगे बाबू प्लस माइनस तो माइनस, 7 बटे 2 का 1 बटे 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 बटे 2 का जब 1 बटे 2 में करोगे तो 7 का 1 में होगा 7 और 2 दूनी 4, माइनस बेटा 7 बटे 4 होगा, और x घटा दो बेटा यह माइनस या प्लस, इससे कैंसिल, 3 में 7 बटे 4 जोड़ोगे बेटा
तो कितना हो जाएगा, चार तीन बारह सात, 19/4 होना चाहिए। कितना होगा बेटा, 19/4 हो जाएगा। तो 19/4 यक्स, और क्या बचा बेटा, प्लस एक बचा है। अब कितनी बार लेके जाए बेटा, 19/4 आ जाए, ठीक है, कितनी बार लेके जाएंगे, 19/4 आ जाए। यहां पे बेटा एक है, यहां पे 19/4 है, तो कितनी बार लेके जाना पड़ेगा बेटा, प्लस 19/4 बार। तो यहां पे करोगे 19/4 का एक्स में गुणा, हो जाएगा 19/4 यक्स, प्लस माइनस माइनस, 19 का एक में 19 और चार दूनी कितना होगा बेटा 8, घटा दो माइनस या प्लस, इससे कैंसिल। अब 19/8 और प्लस एक जोड़ देना बेटा, कितना होगा, 19/8 और प्लस एक जोड़ोगे बेटा, तो 19 प्लस 8 बटे 8, 19 8 कितना हो जाएगा बेटा, 27/8, तो ये आ जाएगा बेटा 27/8, इसका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा, ठीक है, इसका शेषफल कितना होगा मेरे लाल, 27/8 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको दोनों को नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले का तीसरा देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं बाबू। पहले का तीसरा क्या कह रहा है बेटा, यक्ष से भाग देना, किससे भाग देना है, यक्ष से, तो आ जाओ देखते हैं, यक्ष से भाग देंगे बेटा तीसरा नंबर, ठीक है, तो किससे, यक्ष से भाग देना बेटा किसमें, यक्ष क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, ठीक है बेटा, तो यक्ष क्यूब है, यहाँ पे यक्ष है, कितने जाएगा, यक्ष स्क्वायर बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्ष क्यूब, हटा दो बेटा माइनस, ये हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, 3x² प्लस 3x+1 हो जाएगा बेटा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे बेटा प्लस 3 है तो 3x², यहाँ पे यक्ष है, कितनी बार, यक्ष बार, तो करोगे बेटा तो हो जाएगा 3x², घटा दो बेटा माइनस, इससे कैंसिल, बचेगा 3x+1। अब कितनी बार जाएगा बेटा, प्लस 3 बार जाएगा, तो 3 का इसमें करोगे बेटा तो हो जाएगा 3x, घटा दो माइनस, इससे कैंसिल, आएगा 1, ये क्या हो जाएगा इसका शेषफल, शेषफल कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। अब बाबू चौथा देख लो, यक्स प्लस पाई है, ठीक है, 4 नंबर, यक्स प्लस पाई से भाग देना बेटा, यक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 में, ठीक है, तो करोगे जब भाग बेटा, तो यहां पे x क्यूब है, यहां पे x है, कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार, तो हो जाएगा x क्यूब। अब बाबू x स्क्वायर का पाई में गुणा करोगे तो पाई x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब घटा दो, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, इससे कैंसिल, माइनस पाई x स्क्वायर उतर जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस 3x² प्लस 3x+1, इतना कर लोगे बेटा, इसको तो भूल जाओ, 3x² है बेटा, यहाँ पे x है, तो क्या करोगे, प्लस 3x बार लेके जाओ, तो 3x बार जब लेके जाओगे बेटा, तो देखना x, 3x का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3x² और 3x का पाई में होगा बेटा तो प्लस 3πx हो जाएगा, घटा दो बेटा यह माइनस या माइनस, इससे कैंसिल, बचेगा पाई माइनस πx² माइनस 3πx और प्लस बेटा 3x+1 बच जाएगा। अब बाबू कितनी बार लेके जाओ, प्लस 3 बार लेके जाओ, ठीक है, 3 का x में गुणा करोगे 3x और 3 का पाई में करोगे बेटा प्लस 3π हो जाएगा, घटा दो या माइनस, इससे कैंसिल, माइनस πx² माइनस 3πx और ये कैंसिल हो गया बेटा, माइनस 3π+1, ये हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों नोट करो, फिर चलते हैं बेटा इसका लास्ट, एक ही बचा है पहले का अंतिम, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, आ जाओ यहां पे, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां नंबर बाबू दिया है 5+2x, तो जो x वाला रहता है उसको पहले लिखा करो, ठीक है, 2x+5 से भाग देना है, क्या देना बेटा, 2x+5 से, किसमें बेटा, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 में, ठीक है। अब बाबू यहां पे x क्यूब है, यहां पे 2, अब कितनी बार लेके जाएं कि क्या आ जाए बेटा, कि आ जाए x क्यूब आ जाए, तो बेटा 2 को काटना पड़ेगा, तो कितनी बार लेके जाएंगे, 1/2x² बार लेके जाएंगे, ठीक है बेटा, 1/2x², इसका इसमें जब गुणा करेंगे बेटा तो आएगा x क्यूब, ठीक है। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएगा 5/2x², घटा दो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे कैंसिल,
तीन में से बेटा क्या करोगे, पांच बटे दो घटाओगे। आप लोग घटाना आता है, ठीक है, घटा लेना। तीन में से पांच बटे दो घटाओगे बेटा, एक बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब बाबू कितनी बार जाना चाहिए, एक बटे दो है तो कितनी बार जाए बेटा, प्लस एक बटे चार एक्स बार लेके जाना। एक बटे चार लेके जाओगे बेटा, हाथ इससे कट जाएगा, प्लस एक बटे चार एक्स बार लेके जाओ तो हो जाएगा बेटा एक बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें बेटा पांच बटे चार एक्स, ये माइनस इससे कैंसिल। तीन में से बेटा पांच बटे चार क्या करना आपको, घटाना है। तीन में से जब पांच बटे चार या बारह माइनस पांच सात, सात बटे चार हो जाएगा। कितना होगा बेटा ये, सात बटे चार एक्स प्लस एक। अब कितनी बार लेके जाएंगे बेटा, सात बटे चार है तो कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, तो बेटा हम लेके जाएंगे सात बटे आठ बार प्लस सात बटे आठ, हाँ एक बटे दो था ना, सात बटे आठ। इसमें बेटा हो जाएगा सात बटे चार यक्स प्लस सात बटे आठ का इसमें गुणा होगा बेटा पांच बटे नहीं, पांच सत्य पैंतीस, पैंतीस बटे हो जाएगा बेटा आठ। यह माइनस इससे कैंसिल, एक माइनस पैंतीस बटे आठ करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, एक माइनस पैंतीस बटे आठ। इसका आप लोग कर लेना, ठीक है बाबू, इतना कर लेना, ये आएगा पैंतीस आठ सत्ताईस बटे आठ आएगा बेटा, ठीक है। घटाने तो आप लोगों को आता होगा, ये हो जाएगा इसका शेषफल। एक में से पैंतीस बटे आठ जब घटाओगे बेटा तो आएगा माइनस सत्ताईस बटे आठ। उम्मीद कर रहे हैं बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कहां गया कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करना है, देखना, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर और क्या बेटा प्लस सिक्स एक्स, प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से भाग देने पर, किससे भाग देने पर बेटा, एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल निकालना है, ठीक है, यक्स माइनस ए से शेषफल बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो बाबू कितने बार लेके जाएं, यक्स स्क्वायर बार लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस ए यक्स स्क्वायर, ए बेटा हो गया आपका माइनस ए प्लस, इससे कैंसिल इससे ए कैंसिल, बचा कितना बेटा सिक्स यक्स माइनस ए, तो प्लस सिक्स बार लेके जाओ डायरेक्ट, खत्म मैटर है। कितना हो जाएगा बेटा सिक्स यक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स ए, ए बेटा माइनस ए प्लस, इससे कैंसिल, छह प्लस ए में एक माइनस ए में, तो कितना बच जाएगा पांच ए, क्या होगा बेटा इसका हो जाएगा शेष फल, ठीक है। इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा लगा लेंगे तो फिर आगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, भाग की क्रिया किए बिना इतने में भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। दिया है कितना, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, प्लस फाइव में बेटा भाग दिए बिना बताना है एक्स प्लस दो से, क्या है दिया बेटा में दो एक्स प्लस दो से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए बिना भाग की प्रक्रिया के, ठीक है बेटा, किससे, एक्स प्लस दो से, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे, इसमें एक्स प्लस दो बराबर ले लेंगे जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा बेटा माइनस दो, कितना दिया बेटा एक्स क्यूब प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच, यही है, तो रखोगे बेटा वैल्यू माइनस दो का क्यूब प्लस दो गुणे माइनस दो का स्क्वायर प्लस पांच, तो माइनस दो का क्यूब माइनस आठ और प्लस दो गुणे दो दूनी चार और यहाँ पे हो जाएगा बेटा पांच, हो जाएगा माइनस आठ और प्लस आठ प्लस पांच, इससे कैंसिल बेटा आ जाएगा पांच, ए होगा क्या शेषफल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा पांच इसका हो जाएगा शेषफल। तो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है बेटा, इसमें एक्स माइनस थ्री से भागफल देने पर, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या दिया है, चौथा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और क्या दिया बेटा माइनस थ्री एक्स प्लस बीस, यही दिया बेटा माइनस तीन एक्स प्लस बीस में किससे भाग देना है, प्लस बीस में एक्स माइनस तीन से, एक्स माइनस तीन से, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर बार लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर बार लेके जाओगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये बेटा माइनस यह प्लस, इससे कैंसिल, माइनस चार में से प्लस तीन जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस थ्री एक्स प्लस बीस हो जाएगा बेटा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा बेटा, एक्स बार लेके जाओ तो इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा बेटा, ये प्लस यह माइनस, इससे कैंसिल और माइनस माइनस तीन तीन छह एक्स प्लस बीस ए हो जाएगा बेटा। अब यहां से क्या करोगे, माइनस छह बार लेके जाओ, तो माइनस छह बार लेके जाओगे बेटा तो माइनस छह एक्स और माइनस प्लस प्लस छह त्रिक अठारह, ए बेटा प्लस होगा या माइनस, इससे कैंसिल अठारह, बीस में से अठारह जाएगा बेटा कितना आएगा, दो आएगा शेष फल। देख लेना बाबू एक बार, चेक कर लेना इसका शेष फल शायद जीरो दिया है तो चेक कर लेना इसका कितना आएगा बेटा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन लगा लो एकदम बेहतरीन तरीके से, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू कि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस तीस को एक्स प्लस तीन से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बेटा दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस तीस को एक्स प्लस तीन से, एक्स प्लस तीन से भाग देने पर क्या निकालना बेटा, शेषफल निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। यहाँ पे एक्स क्यूब है, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे बेटा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस इससे कैंसिल, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर उतर जाएगा बेटा, प्लस एक्स प्लस तीस, ठीक है। अब माइनस है तो बेटा माइनस थ्री एक्स बार लेके जाओ तो क्या होगा बेटा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स का इसमें होगा बेटा तीन त्रिका नौ एक्स, ए प्लस हो जाएगा अभी प्लस, इससे कैंसिल, नौ एक दस एक्स प्लस तीस। अब बेटा प्लस कितनी बार जाओ, दस बार हो जाएगा दस एक्स प्लस तीस, माइनस माइनस पूरे से पूरा कैंसिल बेटा, शेषफल हो जाएगा जीरो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कि व्यंजक इतने को 2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 1 से भाग देना बेटा और क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2x प्लस 1 से भाग देना बेटा, किसमें देना है, 4x कहां गया, हाँ 4x क्यूब, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस 4x माइनस 7 में बेटा इससे भाग देना है। तो 2x है यहां पे 4 है, तो दो दूनी कितना होता है बेटा 4, तो 2x स्क्वायर बार लेके जाना है, ठीक है। 2x स्क्वायर बार लेके जाओगे तो 4 एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा, और चल क्यों नहीं रहा, चार एक्स क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस दो एक्स स्क्वायर का एक में होगा तो दो एक्स स्क्वायर घटा दो बेटा, माइनस माइनस इससे कैंसिल, आठ में से दो गया, छह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस सात। अब बेटा कितनी बार लेके जाओ, प्लस तीन एक्स बार लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, तीन दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 6x स्क्वायर और प्लस 3x, अब घटा दो बेटा, माइनस माइनस इससे कैंसिल, 4 3 माइनस 7x और माइनस बेटा कितना हो जाएगा, 7, यही होगा बाबू। अब कितनी बार लेके जाएं, तो यहाँ पे बेटा 2 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, माइनस 7 बटे 2 बार लेके चले जाओ, हो जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस 7 बटे 2 लेके जाओ, माइनस 7 बटे 2 बार, तो बेटा दो से दो कैंसिल, माइनस सात एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस
सात बटे दो, ए बेटा माइनस है तो प्लस, ए भी प्लस, इससे कैंसिल, माइनस सात है बेटा और क्या है माइनस सात और माइनस प्लस सात बटे दो, तो माइनस सात प्लस सात बटे दो करोगे बेटा इसके बटे एक कर देना, माइनस चौदह प्लस सात बटे दो, तो माइनस सात बटे दो शेषफल हो जाएगा बेटा माइनस सात बटे दो, ये हो जाएगा इसका शेषफल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर छठवां भी। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सात, दस क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर छह मतलब आधा से ज्यादा कर चुके हैं क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सात पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है बाबू कि इतने को x माइनस एक से भाग देने पर शेषफल, बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर सात आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, इसका कमेंट करना। ठीक है बेटा, कमेंट करना आंसर कितना आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं बेटा, सिद्ध कीजिए कि व्यंजक इतना x माइनस दो से पूर्णतः विभाजित है, तो भाग देने पर बेटा क्या होगा, जीरो आ गया तो पूर्णतः विभाजित है, नहीं तो नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आठ पे, तो कितना दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर आठवां कि एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर नौ था, जांच कीजिए इतना 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 सेवन प्लस थ्री एक्स, एक्स थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का गुणनखंड है या नहीं है बेटा। आठवां दिया बेटा थ्री एक्स प्लस सेवन दिया, ठीक है यही दिया है बाबू, सेवन प्लस थ्री एक्स दिया, तो उसको लिखेंगे थ्री एक्स प्लस सेवन से भाग देंगे बेटा, हम किस में देंगे, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स में, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स में, तो बेटा कितना, यहाँ पे तीन है तो तीन यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से दे दो बेटा, थ्री एक्स क्यूब अब यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इससे कैंसिल, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेके जाओ, अब कितनी बार लेके जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे लेके जाओ आप लोग क्या करोगे, थ्री एक्स प्लस सेवन है तो यहाँ पे लेके जाएंगे, अगर एक मिनट बेटा, माइनस सेवन है, थ्री एक्स हो गया बेटा, थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दिया ना थ्री एक्स प्लस सेवन, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, चलो ठीक है क्या करोगे, तो यहाँ पे बेटा सेवन एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, एक काम करो बेटा यहाँ पे सेवन एक्स कैसे आएगा, या तो सेवन बाई थ्री एक्स लेके जाओ, माइनस सेवन बाई थ्री एक्स बार लेके जाना। ठीक है बेटा, तो सेवन बाई थ्री एक्स क्या हो जाएगा, माइनस तीन से तीन कट जाएगा बेटा, सात एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, सात सत्ते उनचास बटे तीन एक्स बेटा, ये प्लस यह भी प्लस, इससे कैंसिल, और सात है बेटा उनचास बटे तीन, यही है सात प्लस उनचास बटे तीन, तो सात त्रिक इक्कीस प्लस उनचास बटे तीन, तो कितना नौ एक दस और चार दो छः एक सात, सत्तर बटे तीन हो जाएगा बेटा, तो सत्तर बटे तीन यक्स, बस और तो कुछ है नहीं, तो सत्तर बटे तीन यक्स हो जा रहा है बेटा, तो और कुछ बचा भी नहीं है, एक काम करो, कितनी बार क्या पूछा है बेटा कि जांच कीजिए गुणनखंड है या नहीं है, तो बेटा अगर हम लेके जाएं प्लस सत्तर बटे तीन है बेटा, तो सत्तर बटे तीन लाने के लिए सत्तर बटे तीन त्रिका नौ, सत्तर बटे नौ बार लेके जाएंगे, अगर सत्तर बटे नौ इसमें हो जाएगा बेटा सत्तर बटे तीन यक्स और प्लस सात सत्ते उनचास, चार सौ नब्बे बटे नौ, ये बेटा माइनस इससे कैंसिल, माइनस चार सौ नब्बे बटे नौ, ये हो जाएगा बेटा इसका शेषफल। तो क्या करना, लिख देना बेटा कि यह पूरा इसका क्या है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जांच कीजिए कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं, तो बोल देना बेटा इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें शेषफल बच रहा है, शेषफल जीरो नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दिया है थ्री एक्स प्लस सेवन, थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर ले लेना जीरो, तो थ्री एक्स बराबर माइनस सेवन, एक्स बराबर माइनस सेवन बाई थ्री, इसको उठा के बेटा इसमें रख देना, तो जीरो आ गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, तो रखोगे बेटा थ्री यहाँ पे माइनस सेवन बाई थ्री का क्यूब और प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन बाई थ्री,
तो बेटा तीन गुणे माइनस हो जाएगा माइनस का क्यूब, सात सत्य उनचास सत्य 343 बटे तीन गुणे तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक 27 होता है लेकिन तीन से तीन काटना है इसलिए ऐसे लिख दिया बेटा, प्लस माइनस माइनस सात सत्य उनचास बटे तीन, इससे कैंसिल बेटा, माइनस 343 बटे नौ माइनस 49 बटे तीन। देखो बेटा जीरो किसी कीमत पे नहीं होगा, तो जीरो नहीं हो रहा है इसलिए गुणनखंड है नहीं है, ठीक है लिख देना गुणनखंड नहीं है, ऐसे कर लेना इजी रहेगा बेटा, ऐसे करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखते बेटा नौवां क्या कह रहा, नौ में दो क्वेश्चन है उसके बाद दसवां, ठीक है दो ही क्वेश्चन और बचे हैं। नौवां कह रहा है बेटा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है बेटा, नौवें में ए और बी दो क्वेश्चन है और दसवें में एक क्वेश्चन है, तो पहला क्या है नौवें का, पहला दिया है 2x³ माइनस 11x प्लस 6, 11x प्लस 6 इसको विभाजित करता है कौन बेटा, पूर्णतः देखना है x माइनस 2, x माइनस 2 ए वाला है, ठीक है बेटा कितनी बार जाएगा 2x² तो 2x³ माइनस, हाँ माइनस बेटा 2 दुनी 4x² ये बेटा माइनस ये प्लस इससे कैंसिल, 4x² माइनस 11x प्लस 6 इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे 4x है तो प्लस 4x बार लेके जाओ, कितना हो जाएगा 2, हाँ 4x² और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x, तो माइनस ए प्लस इससे कैंसिल, 8 में से 11 जाएगा बेटा माइनस 3x प्लस 6, तो बेटा कितना माइनस 3 बार लेके जाओ, तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 ए बेटा प्लस ए माइनस इससे पूरा कैंसिल होगा आ गया 0, तो क्या है बेटा शेषफल 0 आ गया, तो गुणनखंड है, ठीक है नहीं आता तो नहीं है। आ जाओ बेटा अगला दिया है x³ प्लस 5x² माइनस के एक्स माइनस 12x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित करता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा देखो बी वाला क्या कह रहा है, x³ प्लस 5x कहां गया, x³ प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 यही है बेटा, अच्छा हम पढ़ दिए थे दसवां, प्लस 6 को x प्लस 3 पूर्णतः विभाजित करता है, बेटा कौन पूरा विभाजित करता है x प्लस 3 यह सिद्ध करना, तो क्या करना बाबू इससे इसमें भाग देना शेषफल 0 आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम x प्लस 3 से भाग देंगे x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 में आ गया 0, तो करता है नहीं तो नहीं, तो x² बार लेके जाना, तो बेटा हो जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस माइनस इससे कैंसिल, 4 में से 3 जाएगा बेटा x² प्लस 5x प्लस 6 होगा, तो प्लस x बार लेके जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x² प्लस 3x, तो माइनस ए माइनस इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x प्लस 6, तो प्लस 2 बार लेके जाओ बेटा, तो हो जाएगा 2x प्लस 6 यह भी माइनस है माइनस पूरा पूरा कैंसिल 0, बेटा क्या होगा विभाजित करेगा मतलब गुणनखंड है, ठीक है शेषफल 0 आ गया। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को हम मिटा रहे हैं, ठीक है आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा कि व्यंजक इतना x प्लस 1 पूर्णतः विभाजित करता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो बेटा x प्लस 1 अगर पूरा विभाजित करता है तो x प्लस 1 बराबर लेना 0, तो x बराबर माइनस 1 ले लेना, ठीक है तो क्या दिया है x³ प्लस 5x² व्यंजक दिया बेटा x³ प्लस 5x² और क्या दिया है माइनस के एक्स, माइनस के एक्स माइनस 12 पूरा विभाजित कर रहा है बेटा, एक्स का मान रखेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है तो यहाँ पे माइनस एक का क्यूब प्लस 5 गुड़े माइनस एक का स्क्वायर माइनस के गुड़े माइनस एक और माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे माइनस एक होगा बेटा, यहाँ पे 5 गुड़े माइनस एक का स्क्वायर एक माइनस के गुड़े एक, तो माइनस माइनस प्लस के माइनस 12 बराबर 0, तो बेटा माइनस एक और 5 एकम 5 और माइनस 12 प्लस के बराबर 0, तो 12 कितना हो जाएगा बेटा माइनस 13, तो माइनस 13 प्लस 5 प्लस के बराबर 0, तो के बेटा प्लस कितना होगा 5 और 13 माइनस हो जाएगा बेटा 8 5 13 बराबर 0, तो के बराबर आएगा बेटा 8, के का मान निकालना था, के का वैल्यू आएगा
8। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नंबर 2.3 हो गया खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।